नमस्कार दोस्तों, मिस्थीरी अस्नूज में आपका स्वागत है। मानव मस्तिष्क में छिपी हुई रहस्यमयी शक्तियों पर विश्वास करने वाले मानते हैं कि मनुष्य के अवचेतन मन में अलौकिक, अविश्वसनीय और अकल्पनीय शक्तियां विद्यमान हैं। यदि अवचेतन मन की उन शक्तियों को जागृत कर लिया जाए तो विभिन्न प्रकार के अनेक कौतुकमयी चमत्कार स्वतः होने लगते हैं, जैसे किसी व्यक्ति के जीवन के गुप्त रहस्यों का पता लगना, मन की बात जान लेना, किसी भी व्यक्ति से मिलते ही उस व्यक्ति के भूत, भविष्य और वर्तमान की जानकारी प्राप्त कर लेना, या उसके साथ घटने वाली घटनाओं को स्पष्ट देख लेना, इत्यादि क्रियाएं साधक के जीवन में आकस्मिक होने लगती हैं। ऐसी चमत्कारिक घटनाओं को अतींद्रिय शक्ति का चमत्कार कहा जाता है। विश्व के अनेक मनोवैज्ञानिकों ने मस्तिष्क में उठ रही तरंगों पर काफी शोध किया। फलस्वरूप वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मन के अंदर की अवचेतन मन को यदि क्रियाशील बनाया जाए तो बिना किसी आधुनिक उपकरणों तथा बिना किसी संचार माध्यमों के भी मन के तरंगों को पढ़कर किसी भी व्यक्ति के मन के रहस्यों को जाना जा सकता है तथा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मन पर अपना प्रभाव डाल सकता है और उसे अपने मनोनुकूल कार्य करने को बाध्य कर सकता है। इसी आधार पर मनोवैज्ञानिकों ने अतींद्रिय शक्तियों से संपन्न व्यक्तियों पर परीक्षण कर पता लगाया कि मनुष्य के मस्तिष्क में विचार उत्पन्न होते ही संपूर्ण ब्रह्मांड में अल्फा तरंगों के रूप में फैल जाती है, जिसे कोई भी व्यक्ति अपने अंतर्मन को जागृत कर उन अल्फा तरंगों को पकड़कर किसी भी व्यक्ति के मन में उठ रहे विचारों को पढ़ सकता है अथवा हजारों किलोमीटर दूर घट रही घटनाओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। भूतकाल की जानकारी तथा भविष्य में घटने वाली घटनाओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। प्राचीन योग शास्त्रों के अनुसार ध्यान साधना के द्वारा अतींद्रिय शक्तियों को जगाकर मानसिक शक्तियों के माध्यम से दूर दृष्टि, दूरबोध, विचार संप्रेषण आदि जैसे कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। ध्यान का सीधा संबंध मन से होता है। मनुष्य के अंदर दो प्रकार का मन होता है, एक बाह्य मन तथा दूसरा अंतर्मन। अंतर्मन की अपेक्षा बाह्य मन का स्वभाव अत्यंत चंचल तथा कुटिल है। इसमें काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, राग, द्वेष इत्यादि विकार उत्पन्न होते रहते हैं। अंतर्मन का स्वभाव अत्यंत शांत, निर्मल और पवित्र होता है। यह मनुष्य को हमेशा अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करता है। इसी में अलौकिक, दिव्य और चमत्कारिक शक्तियाँ निहित होती हैं। बाह्य मन जब सुप्त अवस्था में होता है तब अंतर्मन सक्रिय होने लगता है और इसी अवस्था को ध्यान कहा जाता है। मन को बेलगाम घोड़े की संज्ञा दी गई है क्योंकि मन कभी एक जगह स्थिर नहीं रहता तथा शरीर की समस्त इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश करता है। मन हर समय नए नए इच्छाओं को उत्पन्न करता है। एक इच्छा पूरी नहीं हुई कि दूसरी इच्छा जागृत हो जाती है और मनुष्य उन्हीं इच्छाओं की पूर्ति की चेष्टा करता रहता है, जिसके लिए मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, पीड़ा इत्यादि से गुजरना पड़ता है। इसके बावजूद जब मनुष्य की इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती तब मन में क्लेश तथा दुख होने लगता है। यदि मन को किसी तरह अपने वश में कर एकाग्रचित कर लिया जाए तब मनुष्य की आत्मोन्नति होने लगती है तथा समस्त प्रकार के विषय विकारों से ऊपर उठने लगता है और अंतर्मन में छिपे हुए ऊर्जा के भंडार को जागृत कर अलौकिक सिद्धियों का स्वामी बन सकता है। मन को नियंत्रित करना थोड़ा कठिन है, परंतु कुछ प्रयासों के बाद मन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है। मन को साधने के लिए शास्त्रों में अनेक प्रकार के उपाय हैं, जिनमें से सबसे आसान तरीका ध्यान साधना है। ध्यान के माध्यम से कुछ ही दिनों या महीनों के प्रयास से साधक अपने मन पर पूरी तरह नियंत्रण रखने में समर्थ हो सकता है। ध्यान साधना से मन के सारे विकार धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं तथा अंतर्मन जागृत तथा चैतन्य होने लगता है। मन की एकाग्रता धीरे धीरे बढ़ने लगती है। मनुष्य के शरीर की सुप्त शक्तियां जागृत होने से शरीर पूर्णतः पवित्र, निर्मल तथा निरोग हो जाता है। सर्वप्रथम साधक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर अपने पूजा स्थान अथवा किसी निर्जन स्थान में पद्मासन या सुखासन में बैठकर ध्यान लगाने का प्रयास करें। ध्यान लगाते समय सबसे पहले अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करें तथा शरीर को अपने वश में रखने का प्रयास करें। बिल्कुल शांत, निश्चल और स्थिर रहे तथा नियम पूर्वक ध्यान लगाने का प्रयास करें। सर्वप्रथम साधक जब ध्यान लगाने की चेष्टा करता है तब मन अत्यधिक चंचल हो जाता है तथा मन में अनेक प्रकार के विचार उभरने लगते हैं। साधक विचार को जितना ही एकाग्र करना चाहता है
उतनी ही तीव्रता से मन विचलित होने लगता है तथा मन में दबे हुए अनेक विचार उभर कर सामने आने लगते हैं। इसलिए ध्यान साधना को तीन आयामों में विभक्त किया गया है। पहला विचार दर्शन, दूसरा विचार सर्जन और तीसरा विचार विसर्जन। विचार दर्शन में साधक को चाहिए कि जब ध्यान लगाने बैठे तब मन में जो विचार उत्पन्न हो उसे होने दें, विचारों को आने से ना रोके ना ही विचारों को दबाने की चेष्टा करे। मन में विचार लाना नहीं है और ना ही विचारों को आने से रोकना है, केवल दृष्टा बनकर विचारों को देखते रहना है। मन में एक विचार से दूसरा विचार, दूसरे से तीसरा, इस तरह से अनेक प्रकार के विचार, घटना, वास्तविक तथा काल्पनिक अनेकों विचार मन में उत्पन्न होते रहेंगे, परंतु आपको उन विचारों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। केवल दृष्टा बनकर आप देखते जाइए कि मन किस प्रकार कल्पना लोक में उड़ान भर रहा है। ऐसा करने से धीरे धीरे आपके विचारों में कमी आने लगेगी और विचार स्थिर होने लगेगा। विचार सर्जन, इस क्रिया में साधक को अपनी आंखें बंद कर मन को आज्ञा चक्र अर्थात दोनों भौहों के बीच कुछ देर तक ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करना चाहिए। तत्पश्चात मन में कोई विचार लाएं और कुछ देर तक उस पर ध्यान को केंद्रित करें और उस विचार को मन से हटा दें, तथा पुनः दूसरा विचार लाएं और उस पर भी कुछ देर तक ध्यान केंद्रित कर उसे भी मन से हटा दें। इस तरह मन में अलग अलग विचारों को लाते रहें तथा कुछ देर तक उस पर अपना ध्यान केंद्रित कर उसे हटाते जाएं। इस तरह करते रहने से धीरे धीरे मन थकान अनुभव करने लगेगा और कुछ देर के लिए कुछ सोचना बंद कर देगा। आपको ऐसा लगेगा कि मन आराम करना चाह रहा है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि मन आपके नियंत्रण में होने लगेगा तथा विचार शून्य होने लगेगा। विचार विसर्जन में साधक अपनी आंखें बंद कर धीरे धीरे गहरी श्वास लें और धीरे धीरे छोड़ें। कुछ देर बाद मन में कोई विचार आने दें। जैसे ही मन में कोई विचार आता है उसे तुरंत अपने मन से हटा दें। फिर मन में कोई विचार आए उसे भी हटा दें। इस तरह मन में उठने वाले सभी विचारों को मन से हटाते जाएं। ऐसी क्रिया को ही विचार विसर्जन कहा जाता है। इस क्रिया में साधक को चाहिए कि मन में उठने वाले विचारों को ना रोके बल्कि उन विचारों को मन से हटाने का प्रयास करते रहना चाहिए। इस प्रकार से अभ्यास करते रहने से मन निर्विकार तथा निर्विचार होने लगता है और विचार शून्य की स्थिति बनने लगती है तथा अंत मन के जागृत होने से अलौकिक एवं चमत्कारिक दृश्य तथा घटनाएं ध्यान की अवस्था में दिखाई देने लगते हैं। जब साधक का मन एकाग्रचित होने लगे तब टेलीपैथी का प्रयोग प्रारंभ करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले अपने गुरु या इष्ट से प्रत्यक्ष अथवा ध्यान अवस्था में मानसिक अनुमति लेकर प्रयोग करना चाहिए। सर्वप्रथम अपने इष्ट या गुरु की प्रतिमा अथवा चित्र को अपने पूजा स्थान में इस प्रकार रखें ताकि वह आंखों के ठीक सीध में तथा 2.5 फीट की दूरी में रहे। फिर उस पर अपलक दृष्टि से देखने का प्रयास करें। इस प्रक्रिया को त्राटक कहा जाता है। त्राटक का अभ्यास किसी बिंदु, शक्ति चक्र, क्रिस्टल बॉल, दीपकीलों, चंद्रमा, तारा अथवा सूर्य पर बारी बारी से अभ्यास किया जाता है, जिसके द्वारा साधक के आंखों में अद्भुत सम्मोहन शक्ति आने लगती है तथा साधक को सम्मोहन के क्षेत्र में पूर्ण सफलता प्राप्त हो जाती है। परंतु टेलीपैथी के लिए अपने इष्ट अथवा गुरु के चित्र पर त्राटक का अभ्यास करना चाहिए। प्रारंभ में त्राटक का अभ्यास करने पर ज्यादा देर तक अपलक या टकटकी लगाकर देख पाना संभव नहीं होता है, इसलिए धीरे धीरे प्रयास करते हुए समय को बढ़ाते जाएं। जब आंखों में आंसू आने लगे तब कुछ देर के लिए आंखों को विश्राम दें तथा आंखों को ठंडे पानी से धो लें, उसके पश्चात पुनः अभ्यास करें। इस तरह जब 10 से 15 मिनट का अभ्यास होने लगे तब उस तस्वीर में आपको अजीब सा नीला प्रकाश निकलता हुआ दिखाई देगा जिसकी रोशनी आंखों में समाहित होती हुई नजर आएगी। जब इस तरह के दृश्य नजर आने लगे तब समझ लीजिए कि आप सफलता के काफी करीब हैं। फिर अपनी आंखों को बंद कर लें। ऐसा करने के बाद भी आपको वे चित्र दिखाई देती रहेगी। अब आप उस चित्र के मस्तिष्क में अपना ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें। ऐसा करते ही आपको एहसास होगा कि आप अपने गुरु के मानसिक तरंगों को भली भांति देख पा रहे हैं तथा उनसे वार्तालाप करने का प्रयास करने लगे हैं। जब अपने गुरु या इष्ट से किसी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर प्राप्त होने लगे तब किसी भी व्यक्ति के चित्र पर त्राटक करते हुए अपनी आंखों को बंद कर उसका प्रतिबिंब अपने आंखों में उतार लें। फिर ध्यान करते हुए उसके मस्तिष्क में उठने वाली तरंगों को पकड़ने का प्रयास करें।
इस तरह धीरे धीरे आप लोगों के मस्तिष्क के तरंगों को अपने मस्तिष्क के तरंगों से जोड़ने में सक्षम हो पाएंगे। जब आप मन के तरंगों को पकड़ने में अभ्यस्त हो जाएंगे, तब आपको किसी भी व्यक्ति का चित्र अथवा मूर्ति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप स्वतंत्र रूप से किसी भी व्यक्ति के मन के तरंगों को पढ़ पाने में सक्षम हो जाएंगे। दोस्तों, यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब